आज हम उस मूर्ति की बात करेंगे जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वायरल हो गई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण बेहद पास है। इससे पहले यहाँ विधियों और अनुष्ठानों का क्रम शुरू हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के चौथे दिन शुक्रवार को सुबह 9 बजे अग्नि मंथन से अग्नि प्रकट की गई। अग्नि प्रकट के साथ चौथे दिन का अनुष्ठान शुरू हो गया। इसी बीच रामलला की मूर्ति की बेहद खास तस्वीरें सामने आई है। इस तस्वीर में उनके पूरे स्वरूप को देखा जा सकता है। आइए जानते हैं रामलला की मूर्ति की विशेषताएं। भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। मूर्ति पर भगवान राम की आंखों पर पट्टी बंधी है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मूर्ति की पट्टी हटाकर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। शुक्रवार को आई रामलला की तस्वीर उस वक्त की है जिस वक्त इसे बनाया गया था। ताजा तस्वीर में उनके पूरे स्वरूप को देखा जा सकता है। तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिख रहे हैं। रामलला के चेहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाला मुस्कान भी दिखाई दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस मूर्ति की वजन कितना होगा? वो भी हम आपको बतलाते हैं। मूर्ति करीब 200 किलोग्राम वजनी तो वहीं ऊंचाई 4.24 फीट है। इसमें कई तरह की खूबियां हैं। मूर्ति श्याम शिला से बनाई गई है जिसकी आयु हजारों साल होती है। बॉस ये भी जानिए कि मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं होगा। चंदन रोली आप कितना भी इसमें लगा दें लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है, आपको बता ही दिया। इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 4.24 फीट है, जबकि चौड़ाई की बात करें तो 3 फीट है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति हाथ में तीर और धनुष है। कृष्ण शैली में मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, ओम चक्र, गदा, सूर्य भगवान विराजमान है। रामलला के चारों ओर आभा मंडल है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। भगवान राम का दाहिना हाथ आशीर्वाद की मूर्ति में है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाई दे रहे हैं। आभा मंडल में बाएं ओर भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी को उकेरा गया है। वहीं दाईं ओर नीचे गरुड़ जी को उकेरा गया है। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की बाल सुलभ कोमलता झलक रही है। मूर्ति को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अधिकारियों का कहना था कि जिस मूर्ति का चयन हुआ है उसमें बालत्व, देवत्व और एक राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही है। गर्भगृह में विराजने के लिए 3 मूर्तियां बनाई गई थी। इसके बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि गर्भगृह के किस रूप में रामलला विराजमान होंगे। मूर्तिकारों ने तीनों मूर्तियों को इतना सुंदर बनाया कि चयन करना भी कठिन हो रहा था। कौन सी सुंदर है और कौन सी उतनी नहीं है। अनंत बाल रूप वाली तस्वीर को राम मंदिर के गर्भगृह में विराजने का फैसला लिया गया। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं।